डॉक्टर एक बात बताइए, मैं कोई भी कार्यक्रम देखते हैं हम लोग तो उसमें बहुत सारी पब्लिक हायर पे आई जाती है, उसको किराए पे मंगाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा था सारी पब्लिक आपसे गले मिल के जा रही थी, तो व्यक्ति विशेष से भी आप जुड़े हुए हैं, कितने लोगों से आप जुड़े हुए हैं, कितने प्रदेशों से आप जुड़े हुए हैं वो बताएं। जी बिल्कुल सही कह रहा है कि हम लोग अभी 35 राज्यों से, मैंने कहा कि 2 लाख से ज़्यादा हमारे पेड मेम्बर्स हैं और 662 सेंटर्स भारत के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे पिछले 2008 से हम लोग कई धरना प्रदर्शन किए, कई डिमांड्स किए भारत सरकार से इसी जंतर मंतर पे, यहाँ ही हमारे धरने पे केजरीवाल और सिसोदिया चाय पीने के लिए, मेरे चाय पीने के लिए आया करता था और हम लोग बैठते थे। आज हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों ने किया, एक व्यवस्था बदलने की बात हुई थी, तो हमारे जो भी कार्यक्रम किया, हमारे 40-50 लोग आते थे। यहाँ की पुलिस ने कहा कि दुआ जी, यहाँ के बहादुर SI हैं, उन्होंने कहा दुआ जी अगर आपने 400 लोगों को ले आए तो हम 4000 रुपया देंगे। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, 4000 उनसे वसूल करना है, क्योंकि हमें 400 से ज़्यादा हमने यहाँ पे, हमारे 15 स्टेट से लोग आए, किसान भी कुछ आए थे और बाकी हमारे दिल्ली के लोग थे, गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने साथ दिया, हमारे यहाँ पे भोजन सबका करवाया। तो हम लोग इस सैद्धांतिक काम करने वाले हैं, जुडिशल सिस्टम पे काम करने वाले हैं, हम लोग हायर करके ये गलत तरीके से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अभी तक आपने जैसे इलेक्शन नज़दीक आए हैं वैसे आपने इतना पार्टी का निर्माण करना शुरू कर दिया, तो अभी तक ग्राउंड लेवल पर काम क्यों नहीं करा? पहली बात तो ये है कि पार्टी हमारी 2009 में रजिस्टर्ड है जी, और हमारे ग्राउंड लेवल की जहाँ तक बात है, हमारे पूरे स्टेट में लोग हैं, बस एक आवाज़ देने की थी, आज हमने उसका एक नींव रखा है, कदम बढ़ा दिया और आज से ही हम लोग चरणजीत सिंह जैसे हैं, ओम प्रकाश जी जैसे हैं, आलमदार जी जैसे हैं और हमारे बड़े सारे साथी हैं उनके जैसे, आज से हम लोग लगातार 12-13 घंटा इस पर काम करने जा रहे हैं और बहुत मुश्किल काम नहीं है कि हमारे पास अभी 2 महीना है और 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। हमें झूठा वचन लेके नहीं जाना, चूँकि जो इंटरनेशनल मैनिफेस्टो बनाएंगे उसको हम लोग इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर कराएंगे कि वो ये हमारी मैनिफेस्टो, इस पर हम लोग काम करें, जनता के बीच में पूरी लिखित के रूप में जाएंगे और यही मांग बाकी पार्टियों से हम लोग कर रहे हैं कि अपनी मैनिफेस्टो को इलेक्शन कमीशन में या सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर कराएँ, चूँकि वो रजिस्टर नहीं कराते और बाद में कहते ये तो जुमलाबाजी था, इलेक्शन के वक्त का स्टेटमेंट था, तो ये गलत है। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करें और उसी बाधा को हम लोग एक समानता के लिए, इक्विलिटी के लिए, जो मैंने कहा गंगा जमुनी तहजीब के लिए, साजिश संस्कृति के लिए, हमारे पार्टी में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं होगी, हमारे यहाँ हिंदू हमारे धर्म और की बात नहीं होगी, हर कोई जो भारत को बचाना चाहता है, भारत को आगे ले जाना चाहता है, समाज को आगे ले जाना चाहता है, ऐसे लोगों को हम लोग कैंडिडेट बनाएंगे। जो लोग धर्म के नाम की बात करेंगे, यादव ब्राह्मण और ऊंच नीच की बात करेंगे, वो हमारे कैंडिडेट नहीं हो सकते। आप थे डॉक्टर दुआ जिन्होंने बताया कि अभी तक ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर समाज के लिए काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का सोचा। ये अही बार पार्टी है, आप देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर कितना कार्य करती है। ग्राउंड लेवल पर इनका काम दिखाई दिया, आज बहुत सारी पब्लिक थी जो इन्होंने हायर करके नहीं मंगाई थी। दुआ साहब हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।